पलवल के सुजवाड़ी गांव में घर में घुसकर कुछ बदमाश होने गर्भवती महिला के साथ की मारपीट। महिला को उपचार के लिए ले जाया गया जिला अस्पताल। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती शुक्रवार को कुछ 6 बदमाश, जिनमें से कुछ ने शराब भी पी रखी थी, अचानक से घर में घुस आई और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला काफी दर्द से कराहने लगी। उसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम आपका? हम बताएं क्या हुआ आपके साथ? मैं भैया घर पे गिर गई थी, 6-7 लड़के आए थे जिसमें से 3 अंदर आए थे। जैसे मैंने गेट खोला, उन्होंने पत्थर वत्थर खूब बजाए और मेरे पेट पर लात मारी, तो मेरे साइड में दर्द हो रहा बहुत जोर की, मैं दूर जा पड़ी। आप अकेली थी घर पे उस टाइम? हाँ, मैं अकेली थी घर पे और कोई नहीं था। क्या इरादा था उनका? तो पहले उनसे कुछ झगड़ा था आप लोगों का? नहीं भैया, मुझे नहीं पता, मैंने तो पहली बार देख देखे। पलवल के अलावलपुर गांव में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच झगड़ा, 4 महिला सहित 6 लोग घायल। उपचार के लिए जनरल सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, 1 महिला भर्ती। हाँ बताइए, आपका किसके साथ झगड़ा हुआ था, किस बात पर झगड़ा हुआ है? झगड़ा कुछ भी ना, उनकी वहाँ पे उनका बच्चा फोन लाइन भेजो, हमने पहले घर से फोन लिया, वहाँ फोन ला घर से दिया ना, वो अपने घर लगा उसे फोन है और हम पूछने गए, मम्मी ने फोन की बात कही ना, बताई ना फोन हमारे पास है, उल्ट झाड़ा खाने लगी पहले सरी माँ सास बहू यही बात पे, उन्होंने पहले से लाठी वाठी मारी, ये ठीक बरसाई उन्होंने आपके ऊपर? हाँ, हमारी सास के भी लगी, हमारी बुढ़िया के उनके भी यहाँ लगी है सास को। हाँ, वो आई पर अब चली गई घर, वो इनके भी लगी है, हमारी बड़ी जेठ के भी लगी है, यानी बहुत सारी चोट आई है। कौन कौन थे जिन्होंने मारपीट की है? हमारे तो सिर्फ 2 जने, उनके तो सारा पूरा परिवार मिले था। तो आपको हसनपुर के गांव सिकसाई में जहां एकादशी के अवसर पर मेले का हुआ आयोजन, उमड़ी लोगों की भीड़, दिल्ली राजस्थान आदि से भी भक्तों ने इस मेले में बढ़ चढ़ के भाग लिया। मेंढकोला गांव के सोनू हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और पुनः रिमांड पर लिया। सोनू हत्याकांड मामले में आरोपी भूपेंद्र को पुलिस ने वापस रिमांड पर लिया है।